टाइप्स की बात करें तो दो तरीके का होता है, सीरियल रेजोनेंट सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। सीरीज़ वाले में क्या होता है, जो हमारा क्रिस्टल है वो आप सीरीज़ में ऐड करते हो, जस्ट लाइक ए सीरीज़ कम्बिनेशन, और जो कि आपके आउटपुट को दे देता है। यहाँ पे भी हम कॉमन एमिटर यूज़ करते हैं बेसिकली। और ये जो सारे आपके टर्मिनल्स होते हैं R1, R2, RE, CE, क्यों? क्योंकि ये एमिटर से कनेक्टेड है, एंड इनका नाम CC, VCC इसीलिए क्योंकि ये कैपेसिटर से कनेक्टेड है। फिर रही बात RFC की, अब ये क्या होता है, RFC का मतलब है जस्ट लाइक अ चोक कोयल। चोक कोयल क्या करती है कि जैसे आपकी VCC जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू की हो सकती है, क्योंकि कलेक्टर के केस में काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज हमें मिलती है, तो उस वो वोल्टेज ज़्यादा एक्सीड ना कर जाए इसलिए हम ये रेजिस्टर कोयल यूज़ करते हैं। तो ये कोयल क्या करेगी, हमारे आउटपुट की वैल्यू को या फिर कलेक्टर की जो वोल्टेज उसको ज़्यादा एक्सीड नहीं होने देगी। अब काम ये इसी तरीके से करेगा जैसे हमारे पिछले कॉलपिट ऑसिलेटर एंड जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर थे वो दोनों काम कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सिंपल 1/√2π√LC, सिर्फ LC अंडर रूट के अंदर है, 2π बाहर है। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपकी इसी से मिलेगी। देन आता है पैरेलल। पैरेलल में क्या, ये जो आपका क्रिस्टल है ये RNC के कम्बिनेशन से पैरेलल में ज्वाइन है, ये आपका सीरीज़ में ज्वाइन था, दिस वन इज़ इन पैरेलल। तो बाकी सारे कनेक्शन वही हैं, सिर्फ ये पैरेलल में है। एंड एक बात और, यहाँ पे दो क्रिस्टल के साथ दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, सो जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो सी जो होगा हमारा वो सिंपल कैपेसिटर ना होके इन दोनों का जो क्या होगा मेन रिजल्टेंट हो जाएगा, जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, वर्किंग वही है। एंड अगर डायग्राम की बात करें तो ये हमारा सिंपल इम्पीडेंस शो कर रहा है कि LCR की वजह से जितना इम्पीडेंस है, दिस वन इज़ अवर फ्रीक्वेंसी। तो सीरीज़ के केस में काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू पैरेलल। पैरेलल में हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। एडवांटेजेस क्या हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे स्टेबल है, ऑटोमेटिक कंट्रोल है इसका, और इसकी वजह से हम काफ़ी प्रिसाइज और स्टेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर बना सकते हैं। देन आवर डिसएडवांटेज, अब डिसएडवांटेज क्या है, ये सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर सुटेबल है, नॉट वैलिड फॉर लो फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी एक तरीके से इसकी एप्लीकेशन है, लेकिन उसके साथ साथ ये इसकी डिसएडवांटेज भी है कि ओनली हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर वैलिड है, आप लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसको वैलिड नहीं करा सकते। उसके बाद जो क्रिस्टल है लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए अवेलेबल ही नहीं होते, जो हमारे सिंपल क्रिस्टल ऑसिलेटर हैं ये सिर्फ और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं। एप्लीकेशंस के तौर पे हम इसको एक स्पेशल टाइप के रिसीवर के फॉर्म में या फिर रेडियो टीवी ट्रांसमीटर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर्स के तौर पे भी क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज़ किया जाता है। एंड जो हम सिंपल क्वार्ट्ज क्लॉक वगैरह होती है, क्रिस्टल क्लॉक माइक्रो प्रोसेसर वगैरह में, तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर का।